हेलो एवरीवन। तो हमारे सामने एक लिमिट पे बेस्ड केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, और लॉगरिथम के बारे में बता रखा है जो बेसिक नॉलेज आपको है कि हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको बोला है फर्स्ट पार्ट में लिमिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू वन 3 की पावर 2x माइनस 1। तो जब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 इंटू में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है जी। बहुत ही तुच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोला इसने लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट आपके पास जो वैल्यू है वो है 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है जी। 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में 2, आप यहाँ पे 2 है और x की जगह पे आ गया 2 माइनस 1, तो आएगा 3 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसका ऑप्शन आ गया आपके पास पी, ठीक है जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 लॉग 3x माइनस 4 माइनस 4। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आएगा लॉग 3 इंटू में 3 माइनस 4 और माइनस का 4, यह आ गया लॉग 9 माइनस का 8 इज 1। तो लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, इसका ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 लॉग 2x माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो आएगा लॉग और 2 इंटू में 2 माइनस 1 माइनस 1, ये आ गया आपके पास लॉग 4 माइनस का 2 लॉग 2। अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 0.3010 होती है, ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 लॉग 5x माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन दे रखे। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे तो आएगा लॉग 5 इंटू में 1 माइनस 4 माइनस 1, यह आ गया लॉग 0, लॉग 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी।